नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने एक चीटर्स के गैंग को पकड़ा, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार, जो एयरलाइंस में नौकरियां देने के नाम पर करते थे ठगी। 3 लोगों को पकड़ा गया है जो साउथ दिल्ली के देवली एरिया से ये स्कैंडल चला रहे थे। वहाँ पर इन्होंने ऑफिस खोला था। बाकायदा ये एक वेबसाइट को लॉन्च करके वेबसाइट के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन करवाते थे और टेलीफोनिक कॉल करके ये जो इच्छुक अभ्यर्थी होते थे उनसे ये पैसे ऐंठते थे। दरअसल मौर्या निकले थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक शख्स ने HR एग्जीक्यूटिव एयरलाइंस के रिकॉर्डिंग जॉब का ऑफर किया था और उसने उस महिला से इंटरव्यू की फ़ीस के लिए 3500 रुपये जमा करवाए थे। फिर टेलीफोन पर ही महिला का इंटरव्यू लिया गया और टेलीफोन पर उसके इंटरव्यू में सेलेक्ट करते हुए उसे फर्जी एक ज्वाइनिंग लेटर मेल किया गया और उसके माध्यम से उसे दूसरे जो एक्सपेंसेस थे, जिसमें ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस है, ड्रेसेस का एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, उन्होंने अलग अलग तरह से उसे 16,500, फिर 16,000, फिर दोबारा 16,000, फिर 5,000 रुपये, इस तरह से अलग अलग इंस्टॉलमेंट उन्होंने अपने अलग अलग वॉलेट्स अकाउंट में डलवाई, जो अकाउंट से उन्होंने अलग अलग वॉलेट्स में उसे ट्रांसफ़र किया था। पुलिस ने इस मामले पर जाँच शुरू की। CDR रिपोर्ट का सहारा लिया गया। जाँच की गई तो पता चला कि वो बैंक अकाउंट किसी सीताराम नाम के शख्स के नाम से है। पुलिस ने फिर अपनी जाँच आगे बढ़ाई और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में जाँच आगे करते आयुष सिंह उर्फ राजगुप्ता और रम्याज राजा उर्फ लक्ष्मण प्रसाद और सीताराम एलियास RK को, जो राजकुमार के नाम से जाना जाता था, गिरफ्तार किया है। इन तीनों के पास से पुलिस को काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है। सीताराम, रम्याज और आयुष ये अपने अलग अलग नाम भी लिए हुए थे, इनके असली नाम दूसरे थे, तो दूसरे नाम से ये इस तरह से चीटिंग का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की साइबर सेल की टीम ने एक फेक कॉल सेंटर को बस्ट करा है और 3 लोगों के गैंग को अरेस्ट किया है। ये इनोसेंट यंग लोगों को जॉब दिलाने के नाम पे, बेसिकली एयरलाइंस में जॉब दिलाने के नाम पे चीट करते थे। डिफरेंट करियर और जॉब वेबसाइट से इनके प्रोफाइल्स को लेकर, इनके नंबर्स को लेकर इनको कॉल करते थे और इनको जॉब दिलाने के नाम पर इनसे अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा लेते थे और जैसे ही अब विक्टिम अपना पैसा ट्रांसफ़र करते थे, ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते थे। इस तरह से इन्होंने काफ़ी लोगों को ठगा है। इंस्टेंट कंप्लेन में इन्होंने कंप्लेनेंट को अप्रोच किया, monster.com पे कंप्लेनेंट के प्रोफाइल को स्टडी किया और उसके नंबर पर कॉल किया और इनसे कहा कि आपको एयरलाइंस में जॉब दिलाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कंप्लेनेंट को प्रेफरेंस मांगी गई कि वो विस्तारा या फिर स्पाइसजेट में जॉब करना चाहेंगी और उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए 3,000 रुपये की डिमांड की गई। कंप्लेनेंट ने इनके अकाउंट में 3,000 रुपये डिपॉजिट करे और फिर इसके बाद उनको बताया गया कि आप पहले अपनी प्रेफरेंस दीजिए कि आप टेक्निकल स्टाफ में जाना चाहेंगी या केबिन क्रू स्टाफ में, या फिर आप ग्राउंड ड्यूटी करना चाहेंगी, या फिर आप एयर टिकटिंग सेगमेंट प्रेफर करेंगी। तो कंप्लेनेंट की प्रेफरेंस के बेस पर उनको उनसे फर्दर और पैसे की डिमांड की गई। धीरे धीरे कुल मिला के 57,000 रुपीज़ इनसे कंप्लेनेंट से लिए गए। इसमें इन्होंने कंप्लेनेंट का टेलीफोनिक इंटरव्यू भी किया और इनको चीट किया। जैसे ही इनके पैसे ट्रांसफ़र हो गए, इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और कंप्लेनेंट से बात नहीं करी। इसके बाद कंप्लेनेंट ने काफ़ी बार इनको कॉल करने की कोशिश करी पर हमेशा इनका फ़ोन स्विच ऑफ किया पाया गया। इस कंप्लेंट के बेस पे सेक्शन 419-420 का केस रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अकाउंट था उसको चेक करा गया, वो पता पड़ा कि एक सीताराम के नाम पे वो अकाउंट था और उस अकाउंट में काफ़ी पैसा है, उसको फ्रीज करा दिया गया है। सीताराम से फर्दर इंटरोगेट करने पर पता पड़ा कि 2 लोग, रमेश राजा और आयुष सिंह, ये फेक कॉल सेंटर देवली में चलाते थे और फिर इनको अरेस्ट किया गया।